हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिहानास रेसिपीज। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ड्रैगन चिकन आसानी से घर पे। बनाने में आसान और टेस्ट में लाजवाब। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए टेस्टी रेसिपी को। आप भी परफेक्ट से रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि बिना डाउट के आप भी बना सके। फिर किस बात की देरी फ्रेंड, चलो रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लेंगे। चिकन को स्टिक्स के जैसा इसी तरह लंबे लंबे पीसेस कट कर लेना है। अच्छे से धो के ले लीजिए चिकन। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। तीखे के हिसाब से काली मिर्ची पाउडर एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स होने तक एक बार मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना मैदा, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा फोड़ के डाल देंगे इसमें। अबे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने तक। देखो इसी तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। ये 20 मिनट तक आप सब्जियों को कट कर लीजिए। 20 मिनट के बाद पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद डीप फ्राई के लिए ऑयल ऐड कर लेंगे। अभी ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ये चिकन को ऐड कर लेंगे। एक एक करके पीस को डाल लीजिए। जितने पीस आते हैं पैन में उतने पीस एक एक करके डाल लीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के चलाते हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चिकन फ्राई होने में, क्योंकि ये स्टिक्स जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। लो फ्लेम पे रख के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही फ्राई हो जाएंगे। देखो इसी तरह ये अच्छे सा कलर चेंज होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। अब ये चिकन को मैं निकाल देती हूँ, फ्राई हो गई ही अच्छे सा। इसी तरह सारे चिकन के पीसेस को एक एक करके डाल के डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अभी चिकन को साइड में रख देंगे और एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेंगे। मैं चिकन फ्राई करके रखे हुए वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश ऑयल भी डाल सकते हैं, ये ऑयल तो गर्म ही है। अभी ऑयल में ऐड कर देंगे 3 से 4 लहसुन के कली लेके बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। चलाते हुए हाई फ्लेम पे रख के फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा फ्राई करना ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर देंगे। अब ऐड कर देंगे 2 से 3 सूखे लाल मिर्च और 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज। चलाते हुए प्याज को भी 1/2 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 से 12 काजू ऐड कर लेंगे। अभी काजू को भी फ्राई कर लेंगे। 1/2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद सब्जियां ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं ग्रीन, येल्लो और रेड कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। आपके पास येल्लो रेड नहीं होगा तो आप सिर्फ ग्रीन ही ऐड कर लीजिए। हाई फ्लेम पे रख के ही करना है ये सारा प्रोसेस। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब देख के डाल लीजिए नमक, क्योंकि हम चिकन में भी नमक डाले थे। और 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्ची पाउडर, तीखे के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्ची भी डाले थे इसलिए तीखा ही रहेगी। ये 1/2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब ऐड कर देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना सोया सॉस, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना टोमेटो सॉस और 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना रेड चिल्ली सॉस ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे। प्रोसेस सारा हाई फ्लेम पे रख के ही करना है। एक बार अच्छे सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से मिक्स कर देंगे। और चाहे तो 1/2 टीस्पून जितना चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो नहीं डाली थी, मैं स्पाइसी बना रही हूँ। आप बच्चों को बना रहे होंगे तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर लीजिए। इसी तरह जूसी रहना है। अब पानी डालने के बाद ज़्यादा नहीं पका लीजिए, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे ये फ्राई करके रखे हुए चिकन पीसेस। चिकन पीसेस ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर दीजिए। सारे सॉसेस चिकन को अच्छे से लगने तक मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में 1 टीस्पून जितना तिल और थोड़े से कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस ऐड करके मिक्स कर देंगे। बनके तैयार हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा ड्रैगन चिकन। अब गैस को ऑफ कर देंगे, एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह थोड़ा सा जूसी जूसी ही रहना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अब एक सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ मैं।
ऊपर से थोड़े से तिल और स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर देंगे। देखें ना फ्रेंड्स, कितना आसान है ड्रैगन चिकन बनाना। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। कैसे लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।